अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ वो इस ट्विंकल रेज़र के बारे में देने वाली हूँ, जो कि आईब्रो रेज़र है। लेकिन किस किस तरह से यूज़ होते हैं ये बताने वाली हूँ मैं आज आपको। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में एक बेल का आइकन है उसे क्लिक कर दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो जो नीचे रेड बटन है उसे क्लिक कर दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो दोस्तों, जो ट्विंकल रेज़र हैं वो बहुत ज़्यादा जो है मार्केट में आजकल फेमस हो रहे हैं और इसने जो है पार्लर को तकरीबन जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आईब्रो बनवाना एक बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत पेनफुल होता है और इसने जो है इसको बहुत पेनलेस बना दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है ये इस तरह से दिखते हैं और जो है बड़ी इजीली जो है आपके हेयर्स जो हैं वो फेस से रिमूव कर देते हैं। एक पैकेट में ये 3 पीसेस आते हैं और डिफरेंट कलर में होते हैं, बड़े खूबसूरत इनकी शेप होती है। और साथ साथ आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसे सनलाइट से और आप इसे जो ह्यूमिडिटी से बिल्कुल महफूज रखें, यानी नमी और सनलाइट से आपने इसे महफूज रखना है बिल्कुल। और साथ में जो है आपको कम्प्लीट इन्होंने जो है ये मेड इन चाइना लिखा हुआ है और साथ में सारे जो है आपने आपको जो है इसने उन्हें डायरेक्शन दी हुई है कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप इसे आईब्रोज बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा ही आसान तरीका है इसको यूज़ करने का और ट्विंकल रेज़र, आईब्रो रेज़र इनका नाम है। लेकिन आपने यूट्यूब पे इसके कई ज़्यादा वीडियो देखी होंगी कि ये बहुत तरीक़ों से यूज़ होते हैं, इनके फॉरहेड हेयर रिमूविंग के लिए भी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ये फेस के पूरे फेस की थ्रेडिंग के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनको जो है एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, ख़ास करके बच्चों से इनको जो है बिल्कुल दूर आप रखें आप जब लें तो, और नमी से और सनलाइट से इसे गर्मी से दूर रखना पड़ता है। तो आपने इसे बहुत ड्राई फेस पे जो है आपने इसे यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपके सामने ही मैंने इसे ओपन किया है, मैंने इसे पहले ओपन नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपके सामने ही मैं आपको कंप्लीट इसके पैकेट पे क्या लिखा है वो भी दिखा सकूँ। और हर एक ने इसका जो है यूट्यूब पर जो है वो रिव्यू दे रहे हैं, सबके अलग अलग रिव्यू हैं, तो अगर आप मुझ पर एतबार करते हैं तो मैं आपको जो रिव्यू है वो दे रही हूँ। मैंने इसे थर्ड टाइम जो है वो यूज़ किया, आप देखें यहाँ पे 3 कलर के हैं और ये थर्ड टाइम मैंने इसे बाय किया है। एक्चुअली मैंने ये अपनी अम्मी के लिए बाय किया है, मैंने इसे ख़ुद भी आईब्रो के लिए यूज़ किया हुआ है और मेरी अम्मी जो है वो पेनलेस तरीका चाहती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है थ्रेड के साथ, तो वो पेनलेस तरीका चाह रही थी, तो मैंने उन्हें 2 से 3 दफ़ा इन्हें यूज़ करवाया हुआ है। तो आप देखिए ये काफ़ी ज़्यादा शार्प लग रहा है देखने में और ये इसी तरह से शार्प है भी, यानी कि आप देखें कितना ज़्यादा शार्प और शाइनी लग रहा है, ये शार्प है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के हाथ में भी दे दें, आप इसे बहुत ज़्यादा लाइट समझे, ऐसा नहीं है ये। तो दोस्तों, इसको यूज़ करना तो आसान है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है कि आप इसके साथ बहुत ज़्यादा एहतियात करें। तो इसके साथ जो है आपको एहतियात भी करना पड़ेगा कि यूज़ करते हुए, इसकी भी जो है मुख्तलिफ डायरेक्शन से ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो पॉलर को जो है बिल्कुल कंप्लीट छुट्टी दे दी, हालांकि मैं ख़ुद एक पॉलर चलाती हूँ तो मैं ख़ुद ये देख रही हूँ कि रोज़ बर रोज़ जो है इतनी आसान चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। आप देखिए इसके साथ की एक लिड है, तो ये लिड जो है इसको बिल्कुल कवर कर लेता है और इसकी जो कैप या लिड आप कुछ भी कह लें, तो ये जो है बिल्कुल रबड़ की बनी हुई है और बहुत ही अच्छी, यानी कि अच्छी सॉफ्ट प्लास्टिक है इसकी और ये जो है ट्रैवल फ्री है। आप इसे देखें बिल्कुल सेफ़ हो जाता है, आपके हैंड वगैरह अगर आप इसे पर्स में भी रख लेते हैं तो बिल्कुल आपको ये कट वट नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। तो आप ये ट्रैवल फ्री है, आप अपने बैग में रख के इसे ले जा सकते हैं कहीं पर भी, और क्योंकि लड़कियों को औरतों को तो बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों हम सबको तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमारी झटपट आईब्रो बन जाए, झटपट हमारे अपर लिप्स बन जाएँ, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसी मकसद के लिए लिया क्योंकि मेरी अम्मी को पेनलेस तरीका चाहिए। आप देखें आप सेम तीनों चीज़ें सेम हैं, मतलब तीनों की शेप सेम है, बिल्कुल इनमें फ़र्क नहीं है, सिर्फ कलर का फ़र्क है और आपको हर पैकेट पर यही कलर मिलेंगे, यही 3 कलर इसमें आ रहे होते हैं और आजकल ये हर लड़की जो है वो यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा इन हो गए हैं, आपको कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहीं पे भी किसी भी जो है मार्केट में आपको मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाते हैं ये, इसको जो है आप आसानी से आईब्रो रेज़र कह के भी ले सकते हैं या फिर आपको मार्केट में कहीं पे भी नज़र आ जाएंगे। तो ये जो है ट्रैवल फ्री भी है, इजीली आप इसे अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, बस बच्चों से आपने इसको दूर रखना है। और आपने इसको किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, आप इसे आईब्रो के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप इसे अपर लिप पे भी यूज़ कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है आईब्रो से ज़्यादा जो है वो पेनफुल होता है अपर लिप्स की थ्रेडिंग। तो जो है आप इसे अपर लिप पे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसे अपने फेस के बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप इसे वो ना करें, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आप इसे यूज़ ना करें, आप इसे बहुत लाइट वेट में यूज़ करें, बहुत हल्की फोर्स के साथ आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे अपने हैंड में, आप देखें यहाँ पे थोड़े से मेरे हैंड में बाल हैं मेरे फिंगर पे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ और मैं आपको इसके रिज़ल्ट भी दिखाऊँ कि ये कितना शार्प है और कितनी आपको फोर्स की ज़रूरत है इसको यूज़ करने के लिए कि आपको कोई किसी किस्म के कट ना लगे। बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ें यूज़ करने के लिए जो है वो परेशान होते हैं। आप देखें यहाँ पर इस तरीके से जो है आपने इसको लिटा के यूज़ करना है, यानी कि आपने इसको बहुत ही हल्के हाथों से इसे यूज़ करना है तो आपके जो है बिल्कुल कट नहीं लगेगा। आपने इसको इस तरह से बिल्कुल सीधे से बिल्कुल यूज़ नहीं करना, जैसे कि नाइफ़ यूज़ करते हैं आपने इस तरह से इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने इसे हमेशा जो है वो लिटा के यूज़ करना है, आपने इसे बहुत ही लाइट वेट में इस तरह से जैसे कि हम कोई रेज़र यूज़ कर रहे होते हैं उसी तरह से आपने इसे यूज़ करना है बहुत आराम से। अगर आप इसे सीधा यूज़ करेंगे तो आपको कट लग सकता है, तो आपने इसे बहुत ही आराम आराम से इस तरह से यूज़ करना है। और आप देखेंगे कि आप अब देखें यहाँ पे मेरे हेयर्स निकल गए हैं, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर कुछ कम हेयर्स निकले, यानी कि इसको यूज़ करने के लिए आपको डिफरेंट डायरेक्शन यूज़ करनी चाहिए। निकले हैं यहाँ पर हेयर लेकिन कम निकले हैं, तो अब मैं इस डायरेक्शन में आपको यूज़ करके दिखाऊँगी। इस डायरेक्शन में जो है जिस डायरेक्शन में आपके हेयर्स की ग्रोथ हो रही है उसी डायरेक्शन में आप इसे यूज़ ना करें, मतलब जहाँ से हेयर्स की ग्रोथ हो रही है आप वहाँ से यूज़ करें, यानी आप इसे सीधा बिल्कुल भी यूज़ ना। दोस्तों आपने इसको इस तरह से यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से बड़े आराम से आपकी जो है हेयर की जो है वो ग्रोथ कम होती जाएगी। और इसे बिल्कुल भी, कुछ लोगों का मसला था कि मतलब हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कर देता है रेज़र, तो ऐसा नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल हेयर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपकी नहीं होगी। और इस तरह आप देखें कि मैंने जो है वो अपने फिंगर के हेयर्स को रिमूव किया है और बड़ी आसानी से, जो अगर आप देख सकें कैमरे में आ रहा है या नहीं, तो बहुत टाइनी से हेयर्स थे वो जो रिमूव हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देखें कि मेरी जो फिंगर है वो साफ़ हो गई है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें फिंगर के लिए भी बहुत ज़्यादा मसला होता है वैक्सिंग में, ये वाले जो हेयर्स हैं नहीं आते, तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पाँव के भी जो फिंगर्स के हेयर होते हैं वो भी रिमूव कर सकते हैं। अपर लिप्स पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जो है आप आईब्रो पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसे कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, पूरे फेस पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई जो है मसला नहीं होगा, बहुत लाइट होता है ये, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना है, अगर आप इसको गलत डायरेक्शन में यूज़ करेंगे तो आपको इसका नुकसान हो सकता है, कोई कट वगैरह लग सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही मतलब काम की चीज़ है, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके बैग में होगा तो आप फौरन से जो है अपनी आईब्रो को बना सकते हैं, आप अपने आईब्रो को शेप दे सकते हैं, आप अपने अपर लिप को बना सकते हैं, तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है। और ख़ास करके वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा फेशियल का मसला होता है वो इसको ज़रूर ले सकते हैं, और एक अच्छी चीज़ है। मैं तो रिकमेंड करती हूँ कि आप ये लें, आपको मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा, मैंने इसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम से बाय किया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।